नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां किसी भी व्यक्ति पर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। कहते हैं भारत की आत्मा अभी भी गांव में बसती है, और हो भी क्यों नहीं। देश की आबादी की 60% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, इसीलिए तो भारत को गांव का देश भी कहा जाता है। आज भी हमारे देश में सेवा और परिश्रम के अवसर के रूप में किसान बसते हैं। हमारे देश में एक कवि ने कहा है कि अपना हिंदुस्तान कहाँ, यह बसा हमारे गाँव में। गाँव को लेकर आज भी यह धारणा बनी हुई है कि गाँव में वह सुख सुविधा नहीं है जो शहरों के लोगों को मिलती है। यही वह कारण है कि अब लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गाँव में अभी बिजली पानी के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोगों को शहर की ओर देखना पड़ता है। हम भले ही गाँव को लेकर बड़ी बड़ी डींग हाँक लें, लेकिन जब बात गाँव के यथार्थ के सामने आती है तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता। देश की आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी हमारे गांव की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। गांव में टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पहुंचने की बात सरकार भले ही करती हो, लेकिन वह धरातल पर कितनी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देख लीजिए ना, जब लॉकडाउन के दौरान बच्चों के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई की बात सामने आई तो सारे आधार धरे के धरे रह गए। गांव में किसी परिवार के पास मोबाइल नहीं है तो किसी के पास इंटरनेट भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में गांव की स्थिति साफ झलकती है, लेकिन यह गांव का एक पक्ष है। इसी गांव का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बिहार में एक ऐसा भी गांव है जहां एक भी वाद यानी कि झगड़े का कोई भी मामला कोर्ट में नहीं है। यह गांव मधेपुरा जिले में स्थित है। इस गांव का नाम है ध्रुवपट्टी। गांव के इस उपलब्धि के लिए ध्रुवपट्टी के मुखिया और सरपंच को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही जिले के अन्य गाँव के लोगों को इस गांव से सीख लेने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इस गांव में एक भी केस नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। छोटे मोटे विवाद होने पर आपस में ही गांव के लोग सुलझा लेते हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा जिले के घौलाड़ प्रखंड के ध्रुवपट्टी, बचौसा प्रखंड के अरजपुर पश्चिम पंचायत के मधुरापुर को बाढ़ रहित गांव घोषित किया गया है। ध्रुवपट्टी के कार्तिक मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय, जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा, एसपी योगेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी व मुखिया और सरपंच को प्रशस्ति पत्र दिया। इस मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ध्रुवपट्टी गांव में धारा 307 के तहत एक मामला वर्ष 2014 में दर्ज हुआ था जो न्यायालय में लंबित था। इस संबंध में मुझे पता चला तो मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए निष्पादन कर दिया गया। आज बाद रहित गांव ध्रुवपट्टी में आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि छोटे मोटे मामलों को गांव स्तर पर सरपंच के न्यायालय में निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि केस व मुकदमा से परिवार व गांव के विकास बाधित होता है। इसके बाद जिलाधिकारी ने बोलते हुए कहा कि ध्रुवपट्टी मधुपुरा बिहार राज्य का पहला गाँव है जो बाद रहित है। यह काफ़ी प्रसन्नता की बात है। आज की तारीख में श्रीनगर पंचायत के आदर्श ग्राम ध्रुवपट्टी और अरजपुर पश्चिम पंचायत के मधुपुरा में एक भी मुकदमा बकेस नहीं है। यहाँ के लोग अपनी सूझबूझ से छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण स्वयं या बड़े बुजुर्गों के साथ मिल बैठकर करते हैं। उन्होंने अन्य गांव के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि इसी तरह मधेपुरा जिले के अन्य गांव बाद रहित हों, इसके लिए प्रयास करें। जिस तरह से ध्रुवपट्टी के लोगों ने समझदारी का परिचय दिया है और अपने गांव को केस मुक्त गांव बनाया है, यह सच में काबिले तारीफ है। ऐसे में पूरे बिहार के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और इन गांव से सीख लेने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।